तो यार लाइफ में बहुत बार होता है कि हम दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, तो हर एक ग्रुप में एक ऐसा लड़का जरूर होता है, लड़की जरूर होती है जिसे टेक्निकल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, उसकी लाइफ टाइम में एक ऐसा ना एक टाइम जरूर आता है जो उसे प्रूफ करना पड़ता है अपने दोस्तों को क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट वो कभी कभी वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है क्योंकि तुम्हारे पास सही रिसोर्सेज नहीं होते। ठीक है, बहुत बार होता हो कि गेम्स की बात करते हो यार, मूवीज की बात करते हो, यही कहते हो यार मेरे पीसी में पड़ी है, मेरे लैपटॉप में पड़ी है, इस वक्त तो नहीं है और मैं तुम्हें कैसे ला के दूं ये सारी चीजें। ठीक है, या ऑफिस में होता है कि बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग या प्रेजेंटेशन बनाई थी वो आपके लैपटॉप में रह गई, अब कैसे करें। सो आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू जैसे आप मोबाइल बैठे बैठे अपना लैपटॉप या पीसी अपने फोन में ही एक्सेस कर पाओगे, उसके सारी वीडियोस देख पाओगे, सारी फाइल जो है सारी एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, ये बात करेंगे आज वीडियो में। वो जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में भी वर्क करता रहेगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार जब आपका फोन कनेक्टेड रहेगा तो वो ऑलवेज कनेक्टेड रहेगा, जब चाहोगे जहां चाहोगे, शायद सात समुंदर पार हो गए ना, वहां जाके भी तुम अपने फोन से अपना जो पीसी है वो पूरा एक्सेस कर पाओगे, थोड़ी सी यहाँ भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले और जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो हेलो देयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हो मैड टेक और हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले एक छोटे से इंट्रो के बाद, बट इस वीडियो को पूरा देखते रहें क्योंकि इस वीडियो की मदद से प्रो आप बनोगे, टेक्निकल गाय आप बन जाओगे, इंप्रेशन दूसरों पे बहुत अच्छा छोड़ दोगे और वाह वाह तो आपकी होनी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है स्प्लैश टॉप। आपको इसे करना है क्या, सिर्फ आपको इसे ओपन कर लेना। ओपन करते हुए आपको इसमें एक आईडी बनानी होगी, इसमें दिखाएगा कि आप नए हो तो आपको जाना है क्रिएट एन अकाउंट पे। क्रिएट एन अकाउंट पे आप कोई सी भी एक ईमेल चूज कर सकते हो, जैसे मैंने बिजनेस इंक्वायरी जो मेरी ईमेल है मैंने वो चूज़ कर लिया है। यहाँ से अब आपको पासवर्ड बना लेना, आप पासवर्ड यहाँ से कुछ भी बना सकते हो। सो मैंने यहाँ से बना लिया पासवर्ड और यहाँ से आपको सेम कर लेना है। सेम करने के बाद आपको कर देना है क्रिएट अकाउंट, सो एक्सेप्ट कर लेना है। इसकी सारी टर्म्स एंड सर्विसेज आपको मेरा देख सकते हो कि जैसे सेंडिंग हो रही है और इसमें हो सकता है। सो आपका जब ये सेंडिंग का पूरा प्रोसेस हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। आप चाहो तो इसे सेव कर सकते हो, आप सेव नहीं कर सकते हो ना, आपको जाना है सिर्फ कंटिन्यू पे। कंटिन्यू कर दिया अब आप लोगों ने आईडी बना दिया। ठीक है, क्रिएट अकाउंट होने के बाद अब आपको अंदर जाना है इसके। सो आपने जो आईडी बनाई आप उसे डाउनलोड ऐसे डाउनलोड करिए और मैंने लॉगिन कर दिया यहाँ से। लॉगिन के लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, सीधा आप लोगों को सीधा देखते जाइए और करते जाएंगे आप लोग। अब आप लोगों के पास एक मेड टेक वालों ने मेरे पास एक लिंक भेजा होगा, मुझे वहाँ से जाके इसे वेरीफाई करना होगा, ऑथेंटिकेट करना होगा, वरना ये काम नहीं करेगा। सो अभी मैं इसे ऑथेंटिकेट करके आ जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे जीमेल पे मेरे पास ये आ गया कि ऑथेंटिकेशन का रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा एक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को वो करना ही करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट दिस डिवाइस लिखा रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके क्रोम पे चले जाना है। क्रोम के बाद वो अपने आप स्प्लैश टॉप को खोल देगा। आपका जैसे यहाँ से ऑथेंटिकेट हो जाएगा आपका सोच लो काम आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका है। आप मेरा डिवाइस जो है पूरा वो हो चुका है ना, अब हमें जाना है अपने पीसी पर। तो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ से जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आपको चूज़ करना है, लिखना है स्प्लैश टॉप जो आपका एप्लीकेशन है, जैसे मेरा ये रहा। सो यहाँ पर कर देंगे। स्प्लैश टॉप पे आते के साथ ही आपको यहाँ फर्स्ट जो साइट आएगी उस पर अंदर कर देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गेट स्टीमर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको तीन चार ऑप्शन आएंगे, वैसे पर्सनल है, बिजनेस है, क्लासरूम के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए। आपका जो है पर्सनल पे है, सो हमने पर्सनल पे क्लिक कर दिया है। पर्सनल पे क्लिक करती है आपका देख सकते हो मेरा डाउनलोड हो चुका है। सो आपको इसे ओपन कर लेना है, ओपन करके इसे इंस्टॉल कर लेना है पूरा अच्छी तरह से। सो ये जल्दी से जितनी देर में हम इंस्टॉल होते हैं आते हैं इसे इंस्टॉल करके। अब तो जो मेरा स्टीमर था वो डाउनलोड हो चुका है। अब आपको उसी आईडी से लॉगिन कर लेना है जिस आईडी से आपने फ़ोन में अपने जो अकाउंट बनाया था उसको, और अपने फ़ोन को भी ऑन करके रख लेना क्योंकि अब हम एंटर होने वाले हैं। सो मैं जल्दी से अपने जो आईडी है वो लिख लेता हूँ। और मेरी आईडी बस हो ही गई है और मैं यहाँ से पासवर्ड लिख लेता हूँ। और हम चले लॉगिन की तरफ। सो अब हमारा जो है लॉगिन होने वाला, और मैंने साथ के साथ अपना जो फ़ोन है उसे भी ऑन कर लिया है। नाउ वी हैव टू वेट, हो सकता है इसमें एक मिनट लगे, इसमें हो सकता है दो मिनट लगे इसे एंटर होने में।
तो हम जब तक वेट कर लेते हैं, और हमारा जो हो चुका है नाउ, अब हम अपने फ़ोन की तरफ जाएंगे। सो देख पा रहे हो जो मेरा फ़ोन है उसने अपने आप ही मेरे पीसी का नाम दिखा दिया कि एबीसी। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एबीसी पे क्लिक करते के साथ ही मैं रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। अब हमारा जो स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है, और जो मेरे फ़ोन में अब मेरा जो पीसी है वो आने वाला है। सो वी हैव टू वेट फॉर सम सेकेंड्स, और ये मेरा जो पूरा पीसी है वो आ चुका है। कंटिन्यू कर देते हैं, और ये जो रहा मेरा पूरा पीसी, देख पा रहे हो कि मेरा पूरा फ़ोन पे आ चुका है। सो मैं यहाँ से कुछ भी खोलना चाहूँ तो मैं खोल पाऊँगा। मेरा कंप्यूटर मैंने यहाँ क्लिक कर यहाँ खोल दिया, और मैं यहाँ से अपना चाहता हूँ, मेरी गेम्स है 60 GB की, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जो मेरा मीडिया, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। सो मेरा ये खुल गया, आप देख पा रहे हो। मैं इसे यहाँ से जूम भी करके कम कर सकता हूँ, और जो आपका पूरा एक्सेस है मोबाइल का आपके फ़ोन में आ चुका है। आप जहाँ मर्जी, जब मर्जी आपका जो फ़ोन है वो कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है, जहाँ मर्जी हो, चाहे तुम दुनिया के किसी दूसरे देश में भी हो ना, ये आपके अपने फ़ोन से जो है ना एक्सेस कर पाओगे अपने पीसी को, और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सो ये जो था मुझे बहुत ही पसंद आता है। आजकल मैं काफ़ी बार होता है कि कंप्यूटर ना खोलने के बजाय सीधा मोबाइल से पीसी को एक्सेस करके और वीडियोस जो है सीधा यहीं से अपलोड मार देता हूँ। सो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाली है। सो आप लोगों ने वीडियो देख लिए, सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी। दूसरों को दिखाओ और उनको दिखाओ कि हाँ भाई ये क्या हो गया। आप दिखा सकते हो दूसरों को कि हम भी प्रो बनते जा रहे हैं, हमें भी टेक से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज है आप लोगों से। और मेरे उस भाई के लिए जिसने मुझे डीएम करके कहा था कि भाई एक ऐसी वीडियो लाओ कि मैं चौंक जाऊं, आई होप भाई कि आप ऐसी वीडियो लाए हो कि आप चौंक जाओगे, इसे जहां मर्जी यूज कर पाओगे। और अब जाते जाते आप लोगों को एक ही चीज करनी होती है, लाइक दे देना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, और मेरी वीडियो ऐसे देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। बहुत अच्छा लगता है जब डीएम और ऐसे सपोर्ट आते रहते, और भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।